कुशीनगर जिले में भोजपुरी फिल्म हीरो बाज की शूटिंग चल रही है। आपको बता दें, ये फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है और समाज को सुधारने का संदेश भी देती है। इसकी कहानी ये संदेश देती है कि अपने परिवार और अपने माँ बाप के साथ हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए और कैसे उनके साथ रहना चाहिए। इस फिल्म के शुभ मुहूर्त के अवसर पर भाजपा के जाने माने नेता बलवंत सिंह ने फीता काटकर फिल्म की शूटिंग का उद्घाटन किया। अभिनेता अतुल श्रीवास्तव इस फिल्म में नायक की भूमिका में हैं, जबकि दिव्यांका भारद्वाज, आनंद मोहन इत्यादि फिल्म के अन्य मुख्य कलाकार हैं। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक ने कहा कि अगर आप सबका प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहा तो हम लोग अपने मिशन को और आगे ले जाएंगे। इस खास मौके पर हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने फिल्म के कलाकारों से बातचीत की है, अभिनेत्री से बात की है। आइए आपको सीधा लेके चलते हैं उस जगह पर जहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। आइए देखते हैं उन्होंने नायक और नायिकाओं से क्या बातचीत की। जैसे कि अभी के बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा के पैसे से वो लोग खुद बिगड़ जाते हैं उसका दुरुपयोग करके। उसी को हम लोग अपने फिल्म में ले रहे हैं कि वो जो पैसा लड़का सब बिगड़ जाता है तो उसको फिर बाद में क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं, बाद में क्या क्या झेलना पड़ सकता है अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उस पैसे को दुरुपयोग करता है तो उसके बाद में उसी पैसे के लिए वो मोहताज भी हो सकता है। ये चीज़ का थीम इसको रखे हैं। कुल मिला के ये फिल्म है, संगीत अच्छा है। चलिए धन्यवाद। पैसे बहुत चीज़ों खर्च करते हैं, इसकी वजह से हम ऐसा फिल्म बनाना चाहते हैं कि लोग इसे सीखे पैसा हमें कैसे यूज करना है। जी, ये फिल्म है और साफ सुथरी फिल्म है, हमें कोई मतलब बल्गर सीन नहीं है उसमें और परिवार के साथ आप देख सकते हैं इस तरह की मूवी है। आपकी टीम फिलहाल 15 लोग हैं। बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा किस तरह से? मतलब ये फिल्म मुझे बहुत अच्छा। इसकी स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी है आप? नहीं जी, मेरा नाम रानी उत्तम है और मैं मिलकर बिहार से हूँ। मेरे मम्मी पापा सब लोग राजी हैं जी और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े जी, जी। और मेरे मम्मी पापा के बहुत सहायता है। अच्छा, किस तरह के? मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे बढ़े और मेरा नाम करे। क्या नाम है आपका? रानी उत्तम। फिल्म शूटिंग हो, मैं 2 महीना पहले पंकज सर से मीरगंज में मिला था और निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में चलिए कि वहाँ फिल्म बनाई जाए भोजपुरी की। हमारे क्षेत्र के जितने भी नवयुवक हैं जो चाहने वाले हैं, कलाकार हैं, इस फिल्म में जुड़े और एक नई रोजगार पैदा हो। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।